नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नूर मोहम्मद चार्ली, ये भारत के पहले कॉमेडियन आर्टिस्ट थे। दोस्तों, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। नूर मोहम्मद चार्ली, लोकप्रिय चार्ली के रूप में जाने जाने वाले भारतीय अभिनेता है। नूर मोहम्मद चार्ली का जन्म 1 जुलाई 1911 को रनावर गांव में हुआ था, पोरबंदर सौराष्ट्र। अपनी कॉमेडियन भूमिका के लिए सबसे प्रसिद्ध वो पहले कॉमेडियन स्टार थे। उन्होंने भारत के पहले कॉमेडी किंग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उस समय की कई शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ एक हास्य नायक के रूप में अभिनय किया था। चार्ली चैपलिन के वो बहुत बड़े प्रशंसक होने के नाते उन्होंने अपने लोकप्रिय फिल्म द इंडियन चार्ली 1933 की रिलीज के बाद अपने स्क्रीन नाम के रूप में चार्ली नाम लिया। नूर मोहम्मद चार्ली उस दौर के अभिनेता थे जब सिनेमा अपनी कहानियां, इतिहास, पुराण और आख्यानों से ले रहा था। चंद्रहासोपाख्यान नामक संस्कृत ग्रंथ पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में आधा दर्जन से ज्यादा रीमेक फिल्में बनी, जिनमें चार्ली की फिल्म चंद्रहास 1933 थी। चार्ली की फिल्म मनोरमा 1944 मंचला नाम से रीमेक हुई थी। ठोकर 1939 में माई बाप के नाम से और तकदीर 1943 दुनिया का मेला नाम से रिलीज हुई। सुनहरे मौके जेल में बार बार नहीं मिलते, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, उस गुजराती नूर मोहम्मद के लिए भी नहीं रुका, जो मुंबई में छाता सुधारने का काम करते करते देश का पहला कॉमेडी सुपरस्टार बना और देसी चार्ली चैपलिन कहलाया, जिसके नाम पर फिल्म उठती थी। वितरक रुपयों से भरी थैली खोल देते थे, उसके गाए गाने देश गुनगुनाता था, जिसके अभिनय की नकल बाद की पीढ़ी के जॉनी वॉकर से लेकर महमूद तक ने की और अपार सफलता पाई। नूर मुख फिल्मों से लेकर सवाक फिल्मों की शुरुआती दौर के नामी हास्य अभिनेता थे, मगर 1947 के विभाजन के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया और यहीं से उनकी लोकप्रियता को ग्रहण लग गया। नूर पाकिस्तान भी गए, कुछ एक फिल्में की, मगर वहां उन्हें भारत जैसी लोकप्रियता नहीं मिली, लिहाजा वापस मुंबई लौटे, मगर तब तक हालात बदल चुके थे। यहाँ अकेली मत जाइयो 1963 जैसी 2-3 फिल्मों में उन्हें काम मिला, मगर तब तक शोहरत मुट्ठी में रेत की तरह फिसल गई थी। वक्त और हालात पहले जैसे नहीं थे और फिल्मी दुनिया में जॉनी वॉकर और महमूद जैसे हास्य कलाकार जम गए थे। वीजा कारणों से चार्ली भारत छोड़ वापस पाकिस्तान गए, एक दिन खामोशी से दुनिया को अलविदा कह दिया। पोरबंदर के पास एक गांव में पैदा हुए नूर मोहम्मद का पढ़ाई से ज्यादा सिनेमा में ध्यान था, लिहाजा मेमन परिवार में पैदा हुए नूर मोहम्मद मुंबई आकर एक दुकान पर छाता सुधारने लगे, मगर दिमाग में सिनेमा का कीड़ा ऐसा घुसा था कि एक दिन अर्दिशीर ईरानी की कंपनी इंपीरियल में पहुंच गए, कहा कि सिनेमा में काम करना है। पूछा कि क्या कर सकते हो, जवाब में मिला कि सब कुछ, घोड़ा दौड़ाने से लेकर घूसा चलाने तक, तैरने से लेकर डूबने तक, हर काम। सो 40 रुपए महीने में एक्टिंग की नौकरी तुरंत मिल गई। ये 1925 के आसपास की बात है, तब फिल्मों में काम करने वाले जल्दी मिलते नहीं थे। नूर ने 9-10 मुख्य फिल्मों में काम किया। 1933 में इंडियन चार्ली नामक उनकी फिल्म को कामयाबी मिली तो नूर मोहम्मद ने अपने नाम के साथ चार्ली जोड़ लिया और चार्ली चैपलिन की तरह ही हिटलर कट छोटी सी मूंछ भी स्थायी तौर पर रख ली। चार्ली ने इंपीरियल, सागर, रंजीत जैसी कंपनियों में काम किया। उस दौर में जब दूसरे कलाकार कंपनियों में महीने की तनख्वाह पर काम करते थे, चार्ली अपनी पसंद के निर्माताओं के साथ अपनी शर्तों पर काम कर रहे थे। स्टूडियो सिस्टम ढहने लगा तो फ्रीलांस का यही काम 40 के दशक में पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे जैसे मशहूर कलाकारों ने किया था। एक ऐसा वक्त भी था जब चार्ली का नाम बिकता था और वो पहले हास्य अभिनेता थे जिन्हें हीरो के बराबर मेहनताना मिलती थी। ढिंढोरा नामक फिल्म में चार्ली ने लेखक, निर्देशन, अभिनय, गायन किया।
इसका गाना पलट तेरा ध्यान किधर है इतना लोकप्रिय हुआ था कि लड़के इस गाने के जरिए लड़कियों को छेड़ा करते थे। 1945 की गजल में वो लीला चिटनिस के हीरो थे। विभाजन के बाद चार्ली पाकिस्तान गए, वहां कुछ पंजाबी सिंधी उर्दू फिल्में की मगर कामयाबी नहीं मिली, तो अपने 6 बेटे और 6 बेटियों में से एक के पास इंग्लैंड चले गए। पत्नी का निधन हुआ तो पाकिस्तान आए और कुछ समय बाद उनका भी इंतकाल हो गया, मगर हिंदुस्तान में कॉमेडी किंग कहलाने वाले लोगों को हंसाने वाले महमूद और जानी वागर के प्रेरणा स्रोत रहे। चार्ली गुमनामी में मरे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का कोई नामी कलाकार उनके जनाजे को कंधा करने नहीं आया। माना जाता है कि अगर चार्ली भारत में रहे होते तो चोटी के हास्य कलाकारों में गिने जाते और लंबे समय तक फिल्मों में उनकी धूम रहती। मीर मोहम्मद चार्ली की फिल्मों के नाम: शरीफ, लूट 1932, जरीना 1932, प्रेमी पागल 1932, भारतीय चार्ली 1933, चंद्रहास 1933, मोहब्बत की कसौटी 1934, तूफानी मेल 1934, तूफानी तरूनी 1934, सीतामगढ़ 1934, नादिरा 1934, मेरे वतन 1935, कीमती आंसू 1935, रात की रानी 1935, बैरिस्टर की पत्नी 1935, देशदासी 1935, सिपाही की सजनी 1936, लहरी लैला 1936, रंगीला राजा 1936, राज रमानी 1936, ज्वालामुखी, चालाक चोर, मतलबी दुनिया, दिल का डाकू, दिल फरोशो, परदेसी पंख, क्षमा परवाना, जम्बो, सचिव, घूंघट वाली, रिक्शा वाला, बाजीगर, बन की चिड़िया, नदी किनारे, थोकर, आज का हिंदुस्तान, अछूतो, पागल, तकदीर, संजोग, भंसारी, पगली, रौनक, मनोरमा, चांद तराई, यतीम, आई बहार, दुल्हा 1946, इंसाफ 1946, जमीर के तौर 1960, जमाना बदल गया 1961, अकेले मत जाइए 1963, बेकरारी, परदेसी, सितारों की दुनिया, प्राई जमीन, पिपली साहेब, काफिरो, प्यार की जीत। नूर मोहम्मद चार्ली का निधन 30 जून 1983 कराची पाकिस्तान में हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त।